कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य रत्ना। एंड आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद नवा अध्याय के अंतर्गत श्री भीष्म देव की अपराकृति के विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तभी जो अपराकृति लीला लगभग समाप्त होने आ रहे हैं, अभी लगभग भीष्म देव अभी अपना शरीर छोड़ने ही जा रहे हैं, तो समय भीष्म देव को किस प्रकार के समय भीष्म देव को किस प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ रही हैं, इस दृश्य के विषय में आज का दिन वर्णन आएगी। ये सच में बहुत ही अद्भुत है, जिस प्रकार के रूप हृदय में बस जाता है एंड वो रूप किस प्रकार से अंतिम समय पे हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ती है, तो वो आज का दिन भीष्मदेव को जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हम सभी देख सकते हैं। देख सकते हैं मतलब है तो देखना ही है, सुनना भी देखना है। भागवतम सच में दर्शन ही कराती है, इतने सुंदर प्रकार के वर्णन भागवतम करती है कि वो वर्णन सुनने पे निश्चित रूप से ऐसे ही लगता है कि सुखदेव स्वामी हमारे आंखों के सामने बिल्कुल वो दृश्य दिखा रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। तो उन अद्भुत शब्दों को अभी हम पढ़ेंगे और उन शब्दों के द्वारा जिस दृश्य को सुखदेव गोस्वामी देख पा रहे हैं और जिस दृश्य को सुखदेव गोस्वामी हमें दिखाना चाह रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, उस दृश्य को हम भी देखने का प्रयास करेंगे। अभी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भीष्मदेव अपनी शरशय्या पे लेटे हैं। भीष्मदेव से मिलने भगवान कृष्ण पांडवों के सहित उस युद्ध भूमि में पहुंचते हैं और वहीं पर भीष्मदेव की अपराकृति प्रभु जी आप म्यूट हो गए। जब भीष्मदेव इस प्रकार शरशय्या पे लेटे थे उस समय भीष्मदेव की अपराकट्य देखने के लिए ही, और इतना आदर्श प्राय है भीष्मदेव की अपराकट्य, केवल उसे देखने के लिए ही पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी महान महान ऋषिगण और महान महान भक्त रहे हैं वो सभी ही लोग इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भीष्मदेव के पास में पहुंच जाते हैं। व्यासदेव से लेकर सुखदेव गोस्वामी से लेकर नारद मुनि से लेकर सारे देवी देवताओं के बीच में भी जो भी ऋषि मुनि इत्यादि हैं वो सभी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हीं लोगों के समक्ष भगवान कृष्ण पांडवों के सहित वहां पर खड़े थे। एंड उसी दौरान भगवान कृष्ण की और पांडवों की और बाकी ऋषि मुनियों की उचित प्रकार से स्वागत करने के उपरांत कई सुंदर सुंदर श्लोकों से भीष्मदेव भगवान को संबोधित करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज की प्रश्न के उत्तर के रूप में धर्म के अनेक अनेक निगूढ़ तत्वों के विषय में काफी देर तक भीष्मदेव जो है युधिष्ठिर महाराज को धर्म के विषय में बहुत ही तत्व रूप से उन्हें उपदेश देते हैं। एंड इसी उपदेश देने के दौरान ही जो है भीष्मदेव की क्या बता इसी दौरान ये जो धर्म के उपदेश जब भीष्मदेव दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, उसी दौरान
सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जिस उत्तरायण काल के लिए भीष्मदेव निरीक्षण कर रहे थे ताकि इस उत्तरायण काल में अपने शरीर छोड़ सके, क्योंकि ये पुण्य काल है, तो इसके विषय में हम पिछली बार चर्चा किए थे जिस प्रकार से भगवतीता के अंतर्गत एक योगी को किस प्रकार के समय पे अपना शरीर को छोड़ना चाहिए। तो इस ये जो काल है उस काल के विषय में वहां पर हम बहुत ही विस्तार रूप से प्रभुपाद जी का और भगवान कृष्ण के वर्णन हमने सुना है। और ऐसा काल प्रवेश करने के उपरांत भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ना चाहा, क्योंकि भीष्मदेव को एक बहुत ही सुंदर प्रकार के वरदान उन्हें प्राप्त हुआ था कि वो अपने इच्छा के अनुसार जब चाहें वो अपना शरीर छोड़ सकते हैं, जब चाहे वो अपना शरीर छोड़ सकते हैं। इसलिए भीष्मदेव अभी चाहे कि मैं अभी के समय पे मैं अपना शरीर छोड़ूं, तो इस प्रकार से चाहते हुए जब भीष्मदेव ने सोचा देन फिर तब भीष्मदेव किस प्रकार की प्रार्थनाओं को भगवान को अर्पण कर रहे हैं, किस प्रकार के दृश्य भगवान किस प्रकार से दृश्य उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं अपने अंतिम समय पे, तो वो सारे चीजें आज के दिन हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व इसका पहला वाला श्लोक हम पिछली बार हमने बताया कि किस प्रकार से भीष्मदेव अपने सारे थिंकिंग फीलिंग विलिंग अपने सारे भावनाओं को अपने सारे विचारों को सब कुछ भगवान पे किस प्रकार से संलग्न किया है, एकाग्रत किया है, तो ये हमने सुना। तो इस प्रकार से एकाग्रत करने की फलस्वरूप उन्हें जिस प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं तो अभी सुखदेव गोस्वामी उसी का विषय में वर्णन करने जा रहे हैं। ये पहला स्कंद के 9 अध्याय के 33वां श्लोक है। त्रिभुवन कामनम तमालवर्णम रविकर गौरवरांबरम ददाने वपुरलककुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे अनवद्या। अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं अनुवाद? शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। जुड़ी बूटी पढ़ना चाह रहे हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या मैं पढ़ सकती हूँ? भगवान श्री प्रभु जी, मैं पढ़ू? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा ना करूं। यहाँ पर ये बहुत अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक का हम स्मरण कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है जो भगवान की स्वरूप के विषय में यहाँ पर भीष्मदेव वर्णन कर रहे हैं। त्रिभुवन कामनम, भगवान कृष्ण की रूप ऐसा अद्भुत है कि त्रिभुवन कामनम मतलब सारे त्रिभुवन में जितने भी लोग हैं सभी लोगों की मन को हर लेते हैं भगवान अपने सुंदर रूप से। एंड वो रूप किस प्रकार की है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तमाल वर्णम, भगवान के शरीर की कांति किस प्रकार की होती है? तमाल वर्णम, वर्ण मतलब रंग है, उनकी वर्ण शरीर की रंग है। तमाल वृक्ष की जो रंग होता है, तमाल वृक्ष की, तो उसी प्रकार का रंग भगवान की होती है। भगवान की शरीर की कांति उसी प्रकार का होता है। वैसा व्रज के अंतर्गत हर एक चीज को भगवान की
भगवान के स्मरण करने के लिए ही या स्मरण दिलाने के हिसाब से ही होता है। जैसा कहा जाता है कि व्रज के अंतर्गत तमाल वृक्ष भगवान कृष्ण की प्रतीक है और कदंब वृक्ष राधा रानी की प्रतीक है, और व्रज के अंतर्गत यही दो प्रकार की पेड़ ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसलिए जब भी आप तमाल वृक्ष को देखिए, तुरंत आपको तमाल वृक्ष को देखने से ही तमाल वर्णम जो भगवान कृष्ण के स्मरण आ जानी चाहिए, उसी प्रकार से कदंब वृक्ष को देखने से हमें श्रीमती राधा रानी की स्मरण आनी चाहिए। तो इस प्रकार से व्रज के अंतर्गत लोगों की भावना इस प्रकार की है कि फिर हर एक चीज को भगवान के संबंध में ही वर्णन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये तो वृक्षों के विषय में हमने बताया, उसी प्रकार से व्रज के अंतर्गत जो रज होता है, जिस रज के लिए व्रज पूरा विख्यात है, उस रज के अंतर्गत भी बता रहे थे कि दो प्रकार के कण होते हैं, एक तो खाले वाले एक गोरे वाले। एंड खाले वाले भगवान कृष्ण की प्रतीक है, गोरे वाले राधा रानी की प्रतीक है। इसलिए रज को भी देखो भगवान राधा कृष्ण की स्मरण आनी चाहिए। तो इस प्रकार से व्रज पूरा इसी प्रकार की स्मृति दिलाने में पूर्ण रूप सक्षम है, स्मरण दिलाने के हिसाब से पूरा व्रज बनी है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण के स्मरण इस प्रकार इतना अद्भुत प्रकार से भीष्मदेव कर रहे हैं। तमाल वर्णम भगवान कृष्ण के शरीर की कांति, तमाल वृक्ष जो है वो काले से होती है, उनकी वृक्ष आप तना देखेंगे तो काले से होता है, एंड वही कदम वृक्ष की तना देखेंगे तो गोरे से होती है। इसलिए फिर कृष्ण और राधा रानी की प्रतीक है तमाल वृक्ष और कदम वृक्ष। तो उस प्रकार से स्मरण कर रहे हैं। एंड रवि कर गौरवराम भरम दधाने, एंड जिस समय भीष्मदेव युद्ध कर रहे थे, उनके ध्यान भीष्मदेव की ध्यान भगवान कृष्ण जो उत्तरी पहने थे, एंड जो उत्तरी हवा बहने की वजह से जो बिल्कुल उड़ रहा था, उस उत्तरी की ओर उनकी ध्यान गई, क्योंकि उस उत्तरी के ऊपर सूर्य की रश्मि उस उत्तरी के ऊपर पड़ के वो उत्तरी बहुत सुंदर प्रकार से चमक रहा था। एंड उस प्रकार की चमक को देखकर भीष्मदेव बहुत ही आकर्षित हुए थे, उनका ध्यान पूरा उस उत्तरी ने आकर्षित कर लिया। एंड जिस दृश्य उनको बहुत ही आकर्षित की है, एंड एग्जैक्टली वही दृश्य अभी के समय पे उन्हें भी स्मरण आ रही है। उन्हें अभी के समय पे जो मतलब शरीर छोड़ते वक्त भी उसी प्रकार के दृश्य भगवान की उत्तरी उड़ते हुए और जिस प्रकार की वो रिफ्लेक्शंस दे रही थी, तो वही चीजें उन्हें अभी भी स्मरण आ रहे हैं। तो इसलिए हम किन चीजों से हम आकर्षित होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इवन भगवान की स्वरूप के अंतर्गत भी किस प्रकार से हम आकर्षित होते हैं, हम अल्टीमेटली भगवान भी उसी प्रकार का दर्शन दिलाने वाले हैं। तो ये यहाँ पर हम भीष्मदेव की वृत्तांत से भी हम समझ सकते हैं। रवि कर गौरा वराम भरम दधाने, दधाने मतलब जो पहनते हैं, एंड क्या पहनते हैं, रवि कर गौरा वराम भरम जो कि सूर्य की रश्मि में चमकता हुआ जो उत्तरी जो पहनते हैं, उनके विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वपुर अलक कुलावृतानाभम, वपुहु मतलब उनकी शरीर अलक कुलावत अलक कुला आवृत आननाभम। और उनकी आनन आभम मतलब उनकी मुख कमल, आभम मतलब कमल है, आनना मतलब उनकी मुख है, आनना मतलब मुख है, आभम मतलब कमल है, उनकी कमल की तरह उनकी मुख के ऊपर अनेक प्रकार की पेंटिंग्स होते हैं,
आपने जब दर्शन करने आते हो शायद आप देखे ही होंगे भगवान कृष्ण की गाले पे, भगवान कृष्ण की बाहों पे और भगवान की पैरों पे सुंदर प्रकार की पेंटिंग्स बनाए जाता है। एंड बहुत ही प्रामाणिक है क्योंकि यहाँ पर भी उसी पेंटिंग्स के विषय में ही यहाँ पर भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं कि अलक कुला आवृता, उनकी शरीर को इस प्रकार की, उनकी उनकी मुख को इस प्रकार की पेंटिंग से, सुंदर पेंटिंग से सजाई गई है। एंड ये पेंटिंग्स किस से बनाई जाता है? ये पेंटिंग्स बनाई जाता है ये चंदन से। चंदन में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स वगैरह मिला मिला कर जो है सुंदर प्रकार के पेंटिंग्स बनाए जाता है। जैसे पहले भी मैंने एक बार कहा था, ग्वाल वाल भी यही काम किया करते थे, उनका दिन भर की यही काम रहता था। जब गोचारण करने जाया करते थे, एंड जब भी उन्हें कोई सुंदर कलर दिखाई पड़ता था, उस कलर से फिर चंदन को मिक्स करके एंड फिर सुंदर पेंटिंग बनाएंगे, सुंदर कलर तैयार करेंगे, फिर उससे भगवान के गाले पे वो पेंटिंग बनाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसे हटा देंगे, दिन दोबारा पेंटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से सुबह से लेकर रात तक पता नहीं भगवान के श्रृंगार कितने बार होता है। एंड कितने, मतलब जब भी कोई सुंदर फूल वूल दिखाई पड़ता है, तुरंत उस पेड़ से फूल थोड़ेंगे एंड फिर वही का वही माला बनाएंगे एंड फिर पुराना माला निकाल देंगे और फिर नया माला पहना देंगे। वो लोग इतने आतुर रहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि कोई भी पेड़ जो है वंचित ना हो जाए, क्योंकि हर पेड़ चाहती है कि मैं अपने फूलों को भगवान की सेवा में मैं दूं। इस प्रकार की चाहत के साथ ही वो वृंदावन में जी रही है। अगर इस प्रकार से उन्हें अपने फूलों को अर्पण करने का मौका ना दे, देन फिर वो निश्चित रूप से यही मानेगी कि मेरा जन्म बिल्कुल व्यर्थ ही हो जा रहे हैं करके। क्योंकि इसी प्रकार की सौभाग्य के लिए तो ये सारे लता पता पेड़ पौधे सभी रोया करती थी जब भगवान कृष्ण जंगल में जाना शुरू नहीं किए थे। वो सभी लोग रोया करती थी कि हमें कब सौभाग्य मिलेगी, भगवान कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य हमें कब मिलेगा, भगवान कृष्ण की दर्शन हमें कब प्राप्त होगी, उनकी संगति कब प्राप्त होगी, इस प्रकार से रोया करते थे सारे। एंड उस प्रकार की जब सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा था, वो चाहती थी कि हमारी ओर से भी ये फूल भगवान के गले में, भगवान के चरणों में चढ़ जाए। एंड कई फूलों को तो वो लोग तो गिरा देते थे, जिन फूलों के ऊपर भगवान चला करते थे, उन फूलों को भगवान के चरण के स्पर्श प्राप्त होता था। एंड फिर कोई कोई फूल जो है वो जो उस पेड़ पे ही रहा करते थे, उन फूलों को ग्वाल बाल थोड़ा करते थे, तोड़कर फिर सुंदर प्रकार की माला बनाकर फिर भगवान कृष्ण को पहना करते थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को नया 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 माला पहनाना, नया नया प्रकार के श्रृंगार करना सुंदर प्रकार की पेंटिंग्स के माध्यम से, तो सुबह से लेकर रात तक यही काम है उनकी। एंड कभी गले की माला निकाल देंगे, नया माला पहना देंगे, कभी गाल पे नया पेंटिंग करेंगे, कभी कभी कान की कुंडल निकाल देंगे, वो नया कुंडल पहना देंगे, कुछ फूलों से कुछ कुंडल बना देंगे, कुछ हम नेकलेस जैसा माला बना देंगे फिर वो पहना देंगे, एंड कभी पगड़ी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बीच बीच में आ जाएंगे, फिर पगड़ी, आपकी पगड़ी ठीक नहीं है तो पगड़ी एडजस्ट कर लेंगे, अरे मोर पंख ठीक नहीं लग रहा, मोर पंख ठीक कर देंगे। तो दिन भर उनकी ध्यान इसी पे ही रहा करता था, इसी पे ही रहा करता था। तो उसी प्रकार की उनकी जीवन शैली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसी प्रकार के दृश्य को यहाँ पर भीष्म देव स्मरण कर रहे हैं। ये सुंदर पेंटिंग्स किया हुआ भगवान कृष्ण की आननाभम, उनकी सुंदर मुखमंडल की स्मरण कर रहे हैं। एंड उनकी भावना क्या है, क्या है? विजय सखे रति रस्तु में अनवध्या। विजय सखे, क्योंकि जब भीष्मदेव भगवान कृष्ण के साथ जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में लड़ा करते थे, देन भीष्मदेव को
वो सोचते थे कि ये अर्जुन पता नहीं कितना भाग्यवान है, भगवान कृष्ण को ही अपने मित्र के रूप में प्राप्त किया उन्होंने, उनकी भाग्य के स्मरण करते हुए अपने युद्ध किया करते थे भीष्मदेव। एंड इसलिए अभी भी वही अर्जुन की सखा के रूप में ही कृष्ण की स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वही इंप्रेशन उनके मन में रह गया था कि ये अर्जुन की क्या बहुत बड़ा भाग्य कि भगवान कृष्ण को ही अपने मित्र के रूप में इन्होंने प्राप्त किया, एंड इतना सन्निहित है भगवान कृष्ण उनके साथ कि भगवान कृष्ण उनकी रथ सारथी बनकर उनके रथ चला रहे हैं। एंड फिर इसी इन्हीं बातों की स्मरण करते हुए भीष्मदेव अपनी बाण छोड़ा करते थे। तो उसमें उन्हें इतना आनंद आता था भीष्मदेव के इस प्रकार की युद्ध करने में, क्योंकि उनका बेसिकली भगवान के साथ संबंधी इस प्रकार की है, भगवान के साथ उनका संबंधी इस रस में है, तो इसलिए उनको इस रस की अद्भुत प्रकार के आस्वादन हुआ करता था इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। देखिए एग्जैक्टली ये उसी प्रकार की आनंद है जिस प्रकार की आनंद एक भक्त को भगवान के नाम कीर्तन करने से प्राप्त होती है, और भगवान की श्री विग्रह पूजा करने में जिस प्रकार की आनंद एक भक्त को प्राप्त होती है, एग्जैक्ट उसी प्रकार की आनंद संतुष्टि यहाँ पर भगवान भीष्मदेव को भी प्राप्त हो रहे हैं भगवान के ऊपर इस प्रकार से बाण छोड़ छोड़ कर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के अंतर्गत इन्हीं ही सारे बातों को पुनः विवरण देते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे। युधि तुरगर जो विदुम्र विश्व कुचलुलितश्रमवारि अलंकृतास्ये मम निशीत शरे विविद्यमाना त्वचि विलसत्व कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उड़ती धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इस अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। अस्तु कृष्णात्मा, ये भीष्मदेव की आकांक्षा है, मेरा मन ऐसा भगवान कृष्ण पे, ऐसा कृष्ण के रूप पे और ऐसा कृष्ण पे लग जाए करके यहाँ पर भीष्मदेव अभी भी ये मनोवांछा व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा मन लग जाए भगवान पे इस प्रकार से। एंड क्या देख रहे हैं, कितना विवरण के साथ यहाँ पर भीष्मदेव एग्जैक्टली किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं आप देखिए कि भीष्मदेव देख पा रहे कि किस प्रकार से उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो भगवान कृष्ण थे उनकी बाल किस प्रकार से हवा के प्रभाव के कारण वो उड़ रहा था। एंड वो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि होने के कारण वहां पर काफी धूली उड़ रहा था, फिर वो सारा धूली जो है भगवान कृष्ण के बालों में आकर बैठ गई, तो फिर वो सारा धूली भरा हुआ फिर भगवान के कृष्ण के बाल हो गया। तो उनके बाल तो खाले से होते हैं, तो वो बाल की अभी रंग भी बदल गया, रंग बदल गया। तो इसी प्रकार की जो भगवान की जो रूप होता है ना, एग्जैक्टली उसी प्रकार की रूप है। इस समय भगवान कृष्ण अपने गोचारण करके जब वापस आ रहे होते उस समय भी गायों के पीछे पीछे चलकर आया करते थे, इसलिए कहा जाता है तृण चरा अनुगई ही। तृण चरा मतलब गाय है, तृण मतलब घास है, और तृण चर मतलब जो घास को चरण करती है, जो घास को खाती है उन्हें गाय, वो वही गाय है।
एंड फिर वैसा घास खाने वाली गायों की अनुगत करने वाला व्यक्ति है कृष्ण, उनकी पद चिन्हों में चलते हैं अनुगत तृण चरानुगई ही। तो वैसा भगवान कृष्ण जब गायों के पीछे चलकर आया करते थे, क्योंकि दिन भर खूब खूब खेला उन्होंने, तो इसलिए पूरा पसीना निकल रहा है। एंड वैसे पसीने में जब गायों की जब गाय चलती है, फिर पूरा धूल उड़ जाती है, फिर वो सारा धूल ही आकर फिर उनकी पूरा शरीर पे बैठ जाता था। एंड फिर वो पसीना भी होने के कारण पसीने की वजह से वो धूल भी चिपक जाता था, इसलिए जो श्यामले रंग के भगवान कृष्ण फिर घोरे दिखने लगते थे उस समय घोरे दिखने लग जाते थे। एंड इसलिए भगवान कृष्ण को इस प्रकार की दर्शन के कारण ही पांडुरंगा कहा जाता है। पांडुरंगा जैसा ये पांडुरंग कहाँ पर है? पांडुरंग ये है अपने पंडरपुर में, महाराष्ट्र। पंडरपुर में विट्ठल भगवान के रूप में पांडुरंग जिन्हें कहते हैं वहां पर खड़े हैं भगवान। पांडुरंग मतलब यही है, पांडु मतलब सफेद है, उस प्रकार सफेद रंग भगवान कृष्ण है। एंड यहाँ पर भी भीष्मदेव जिस प्रकार के दृश्य अभी देख रहे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर भी उनका पूरा शरीर पसीने से भर गया था अत्यंत परिश्रम के कारण, क्योंकि वो खुद रथ चला रहे थे, पूरा रथ को संभालना होता है। क्योंकि एक सारथी का बहुत बड़ा रोल होता है युद्ध भूमि के अंदर, केवल लोगों को लगता है कि क्या करना है, घोड़ों को चलाना ही होता है। देखिए घोड़ों को चलाना भी बहुत ही ट्रिकरी के साथ चलाना होता है, सारा जो फाइटर है उनकी जान बचाना ये सारा इनका वो सारथी के हाथ में होता है। जैसे कि जब कोई, क्योंकि कई डायरेक्शन से बाण वगैरह आते रहते हैं, देन फिर ये सारथी नोटिस करते हैं अगर बाण अगर आ रहे हैं तो उस बाण से उस मतलब रथ को बचाने के लिए कभी कभी वो उनको रथ को बिल्कुल भूमि के अंदर दबा देना होता है, घोड़ों को एक हिट करेंगे देन फिर घोड़े बैठ जाएगी, बैठ जाने के कारण फिर वो जो बाण है वो अपना टारगेट को हिट ना करके ऊपर हिट कर जाएगी। एंड फिर कभी कभी घोड़े को उछाल कर फिर दूसरे बगल में वो दूसरे साइड पे आने के लिए फिर उन्हें पुश करते हैं, तो इस प्रकार से वो बाण मिस कर जाती है। तो उस प्रकार से बाण से बचाने का कर्तव्य होता है फिर ये सारथी का। तो इतना बहुत मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ देखना भी होता है, फिर साथ ही साथ जिस प्रकार के बाण आ रहे हैं उस प्रकार से उनको अपना रथ को भी एडजस्ट करना पड़ता है, कभी उछालना पड़ता है, कभी घोड़ों को बिठाना पड़ता है, फिर घोड़ों को तेजी से चलाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से काफी कुछ होता है उसके अंदर अंदर ही। एंड उतना परिश्रम कर रहे थे भगवान कृष्ण। एंड भगवान क्या क्या करते थे, भगवान केवल दिन के समय तो घोड़ों को चलाते तो थे ही, बट रथ युद्ध होने के उपरांत सारे घोड़ों को खिलाना, घास खिलाना भी इन्हीं की ड्यूटी है, घास खिलाया करते थे। तो फिर उनको कुछ घाय वाय हुआ तो दिन फिर उनको ठीक भी किया करते थे, तो ये सारा काम किया करते भगवान कृष्ण, तो ये सारा परिश्रम है। तो उसके कारण फिर उनका शरीर जो है पूरा पसीने से भरा हुआ था, पसीने की बूंदे हैं उनके चेहरे पे, एंड उनके बाल बिल्कुल ये सारा धूल बैठ गई उनके बालों पे, तो उस प्रकार की बाल जो है वो हवा के प्रभाव के कारण वो उड़ रहा था, और उनके शरीर उनके मुख जो है इस प्रकार के सुंदर बूंदों से वो अलंकृत है। तो ये बूंद भी कैसे दिखाई पड़ेगी, जिस प्रकार से आपने कभी मोती जैसा होता है ना, उस प्रकार के सुंदर सुंदर मोतियों की तरह दिखाई पड़ेगी।
एंड ऑल दिस एंड ये सारे अलंकार की तरह कार्य करती थी, ये जो पसीने की बूंदे एंड फिर भगवान कृष्ण के बालों पे बैठा हुआ जो धूली। हम लोगों के ऊपर ये सारा कुछ बैठ गया तो फिर हम कुरूप जैसा दिखाई पड़ेंगे, बट भगवान कृष्ण के लिए ये सारे चीजें उनकी सौंदर्य को बढ़ा रही है, उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि ये सारा अलंकार है भगवान के लिए। एंड ऐसा अलंकार के ऊपर और क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मम निशित शरीर विविद्यमाना, मम निशिता, मेरे द्वारा छोड़ा हुआ बहुत शार्प जो एरोज है, बाण है, वो भगवान की जो वूंड्स को क्या कहेंगे, घाव को जब लगता है। भीष्म देव बहुत मजा लिया करते थे इसमें, कई कभी कभी भीष्म देव कृष्ण को ही टारगेट करके बाण छोड़ते थे, उन्हीं को ही टारगेट करके बाण छोड़ते थे। एंड भगवान भी इन बाणों को ऐसा स्वीकार करते थे कि जिस प्रकार से अगर कोई भक्त प्रेम से भगवान को बहुत ही सॉफ्ट रोजेस गुलाब जब भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे प्रेम से, एंड उस प्रेम की प्रदान को जिस प्रकार की आनंद के साथ भगवान स्वीकार करते थे, एंड उसी प्रकार से ही भीष्मदेव की बाणों को भी भगवान स्वीकार किया करते थे। जब भीष्मदेव जो है भगवान के ऊपर इस प्रकार के बाण वगैरह छोड़ा करते थे, एंड इस प्रकार की घाव जो होता था, फिर घावों के ऊपर ये जो सारा अलंकार के साथ ये मोतियों की तरह ये अपना पसीना की बूंदे एंड फिर उनकी बाल और उनकी उड़ते हुए उत्थरी और उनकी शरीर पे कई जगह पर इस प्रकार से गाँव बना हुआ है जहां से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। ये सारा कुछ देखकर भीष्मदेव को अद्भुत आनंद आ रहा था, एंड उनके आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान भी उसी प्रकार का दर्शन दे रहे थे। एंड वही दृश्य अभी के समय पे भीष्मदेव को अंतिम समय पे वही एग्जैक्टली वही दृश्य जो उनकी मन को इतना आकर्षित की है, वही दृश्य अभी भी उन्हें दिखाई पड़ रहा है। एंड इसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, एंड आगे भी भीष्मदेव इसी प्रकार के रूप के स्मरण की कामना कर रहे हैं। अस्तु कृष्णात्मा, भगवान मेरे मन में इसी प्रकार के रूप के स्मरण हो और मेरा मन आपकी इस प्रकार के रूप में बिल्कुल लग जाए। जिस प्रकार से सत्यव्रत मुनि दामोदर आश्रम के अंतर्गत वो भी कामना करते हैं ना, वरम देव मोक्षम नामोक्षा वदिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह इधम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मानस्याभिराष्टम किम अन्ये ही मतलब क्यों अन्य कोई और कामना मेरे अंदर क्यों आए। मेरे एकमात्र कामना यही है, हालांकि आप वरेशाद मतलब सारे वर हर प्रकार के वर संपन्न करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो, सक्षम हो, कोई भी वर आप दे सकते हो, बट फिर भी मेरी यही कामना है, और कोई कामना नहीं मेरे अंदर। मेरे एकमात्र कामना यही है, क्या है, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम, इदम ते ये जो आपकी जो गोपाल बाल की जो स्वरूप है, सदा में मानसी, सदा के लिए मेरे मन में इसी प्रकार से बस जाए, एंड इसके अलावा मेरे अंदर किसी भी प्रकार की और कामना नहीं है। एंड वहां पर भी सत्यव्रत मुनि इस प्रकार का कामना भगवान को व्यक्त करते हैं, एंड वही चीज यहाँ पर भी भीष्मदेव भगवान के सामने इसी प्रकार का कामना व्यक्त कर रहे हैं, अस्तु कृष्णात्मा करके। तो इस प्रकार से हर एक भक्त चाहे वो जिस प्रकार के रस में भी भगवान के साथ उनकी आदान प्रदान होती है, उस रस में वो पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं
कि तो इसलिए इस प्रकार से कहना भी ठीक नहीं माना जाता है कि अलग अलग प्रकार के रसों के बीच में कंपैरिजन करना भी बहुत ज्यादा कि ये यही श्रेष्ठ है ये नहीं है करके। ऑल्दो एक कभी कभी इस प्रकार की वर्णन भी किया जाता है, बट फिर भी हमें ये भी बात समझना चाहिए कि हर एक भक्त अपने अपने संबंध भगवान कृष्ण के साथ जिस प्रकार के संबंध होता है, जिस प्रकार के रस में वो संतुष्ट रहता है, वो संतुष्ट रहता है उसमें। उसी प्रकार से यहाँ पर भीष्मदेव का वीर रस में भगवान कृष्ण के साथ संबंध है, उसी वीर रस के अंतर्गत इसी प्रकार की आस्वादन भगवान भीष्मदेव अभी कर रहे हैं भगवान की इस प्रकार के सुंदर दृश्य देखते हुए। एंड फूलों के रूप में वो अपने बाण भगवान कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं भगवान के शरीर पे। एंड भगवान कृष्ण को उतना ही आनंद आ रहा था जितना आनंद भगवान कृष्ण को सुंदर फूल चढ़ाने में उन्हें प्राप्त होती है, उसी प्रकार के आनंद उन्हें भी मिल रहा था दीदी। तभी आगे बढ़ेंगे। और भगवान को बहुत प्रसन्नता हो रही है भीष्म देव की इस प्रकार के बाणों को स्वीकार करके। फिर आगे पढ़ेंगे। शपति शकी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरतम निवेश्या स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती हृतवती पार्थ सके रतिर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टि पात्र करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। जैसा आप भगवद गीता के पहला अध्याय के अंतर्गत आप सुनते हैं किस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं, रथम स्थापयतमे अच्युता करके, ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को ले जाकर वहां पर खड़े करिए करके अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं। एंड उस आदेश को भगवान कृष्ण सिरोधार्य के रूप में स्वीकार करके फिर वो कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को ले जाकर फिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। एंड उसी संदर्भ को यहाँ पर भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं। शपति सखी, शपति मतलब इस युद्ध भूमि में सखी बचा है अपने मित्र अर्जुन की कहने पे निशम्य मध्य, वो उस प्रकार के आदेश सुनने के उपरांत मध्य मतलब सारे दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने अपने रथ को स्थापना कर दिया। एंड स्थापना करने के उपरांत भगवान कृष्ण क्या किए थे, स्थितवती पर सैनिकायोर अक्षना मतलब देखे हैं विपक्ष के सेना को अपने आंखों से भगवान कृष्ण ने देखा। और आक्षण मतलब देखना, देखने मात्र से ही क्या हुआ, कृतवती पार्थ सके रतिर्ममास्तु, उन सभी लोगों की आयु जो है क्षीण होने लगी। जितने लोगों को आगे मरना था उन लोगों की आयु भगवान केवल देखने मात्र से खत्म कर दिए थे, बाकी लोगों को केवल एक निमित्त बनकर उनको मारना होता है, भगवान ने पहले ही उनकी आयु क्षीण कर दिया
बाकी लोगों को निमित्त मात्र भव सव्यसाचन, उनको केवल निमित्त बनकर उनको अब वो काम करनी है बस। तो इस प्रकार के आयु क्षीण करने वाले काम तो भगवान पहले से कर दिए, केवल किस प्रकार से कर दिए, केवल देखने मात्र से कर दिया। सैनिक आयुर अक्षणा, उन सैनिकों को देखने मात्र उन्होंने उनकी सारा सभी लोगों का आयु को हर लिया उन्होंने। उस प्रकार से जिसमें जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान केवल देखने मात्र सभी लोगों के आयु को हर लिया, एंड बाद में जितने भी लोगों को मारना होता है उसके लिए केवल अर्जुन को निमित्त बनना होता है, उसी प्रकार से भक्ति के अंतर्गत कोई भी कार्य है वो हालांकि भगवान और गुरु की कृपा से वो होने ही वाली है। केवल ये हमारी क्रेडिट है अगर हम उस कार्य में हम अपनी ओर से किसी भी प्रकार की योगदान दे सकेंगे तो, ये हमारे लिए क्रेडिट है बस, ये हमारी फायदा के लिए। हम ऐसा नहीं कि हम भगवान की सेवा करके भगवान को कुछ फायदा कर रहे हैं या गुरु को कुछ फायदा कर रहे हैं। गुरु बेचारे अपने कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बूढ़े बन गए तो वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मेरे ऊपर निर्भर है इसलिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं मदद कर लें, दीक्षा ले ही लिया तो फिर थोड़ा मदद कर लूंगा, तो ये भावना नहीं है। बल्कि इसलिए हम गुरु को हम मदद के रूप में नहीं करनी चाहिए, मदद हम करते हैं अन्यों को जो अपने में सक्षम नहीं कोई भी कार्य करने के लिए। और तो गुरु अपनी ओर से जब शिष्यों को आदेश देते हैं, गुरु तो हमेशा यही कहते प्लीज हेल्प मी, जैसा आप प्रभुपाद जी का सुनते हैं ना वचन, प्रभुपाद जी हमें अपने शिष्यों से कहा करते थे प्लीज हेल्प मी करके, गुरु तो कहेंगे मुझे मदद करो करके, बट हम मदद करने के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि हम क्योंकि मदद कर आप करो या ना करो वो तो कार्य होना ही होना है। क्यों होना है उसके विषय में मैंने पिछले बार कहा था, उसके क्या लॉजिक है, तार इच्छा भलवान पाश्चात तेरा ठान ठान, हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपकी इच्छा इतना भलवान है, इतना दृढ़ है कि आपकी इच्छा मात्र से ही पूरा पाश्चात जगत में प्रचार होने ही वाला है, ये पूरा प्रचार इस्कॉन सारा कुछ बनने के पहले प्रभुपाद जी ने ये वचन कहा है, आपकी इच्छा इतना बलवान है कि पाश्चात जगत में ये सारा कुछ होने ही वाला है। इट इज सिंपली फॉर माई टू माई क्रेडिट दैट इफ आई सम और अदर कंट्रीब्यूट इन योर मिशन, अगर मैं किसी प्रकार से आपके आंदोलन में किसी प्रकार की मैं मदद कर पाऊंगा ये तो मेरी क्रेडिट के लिए है बस। उस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में कोई भी कार्य प्रचार क्षेत्र में हो या वैसे भी क्यों ना हो, कोई भी कार्य जब संपन्न होता है वो केवल और केवल गुरु की इच्छा के बल है बस, बिकॉज ऑफ द प्योर सिंसियर अर्नेस्ट डिजायर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एवरीथिंग मैनिफेस्ट इन द स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है केवल इसकी वजह से, केवल नाम हमारी होती है जब हम किसी भी प्रकार से उसमें कुछ भी करने को प्रयास करते हैं तो, बट हमारी प्रयास से कुछ नहीं होने वाली है। अरे हम अपने प्रयास से अपना माला नहीं हो पाती है, किसी और से क्या माला कर पाएंगे, हमारे प्रयास से अपना ही माला नहीं हो पाती, किसी और से क्या माला कर पाएंगे, है या नहीं। तो उस प्रकार से तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रचार हमारे प्रचार में प्रभावित होकर कर भी रहे हैं, वो प्रभाव तो गुरु की वजह से, गुरु की इच्छा था इस प्रकार से प्रचार हो, इसलिए भगवान ये होने दे रहे हैं। इसलिए हम भगवान से जब कृपा भी मांगते हैं तो प्रभुपाद जी को ही बीच में लाकर मांगते हैं। हम क्या कहते हैं सुबह सुबह, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हमारे ऊपर कृपा कर देना, हम सीधा कृपा मांग ही नहीं सकते क्योंकि पात्रता है नहीं, तो भगवान कृपा करेंगे हमारे बात भी भांति नहीं सुनेंगे, सीधा कृपा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने कहा कि देखिए भगवान प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हमारे ऊपर कृपा कर देना, देन फिर भगवान अच्छा प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर कृपा करने, ठीक है मैं कर देता हूँ, तो भगवान कर देंगे, एंड वैसा कृपा के कारण तो फिर हम जी रहे हैं।
एंड उसी प्रकार की कृपा की वजह से जो भी प्रचार कार्य इत्यादि चीज हम कर पाते वो हो पा रहे हैं। उस प्रकार से एक गुरु की इच्छा होती है, उनकी द प्योरिटी ऑफ प्योरिटी एंड द अर्नेस्टनेस एंड द ईगरनेस ऑफ द डिजायर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस। वही कारण है सारा चीजों को होने का। तो उस प्रकार से हमें केवल गुरु की योजना में हमें माध्यम बननी है, गुरु की योजना में हमें माध्यम बनना चाहिए। एंड इस प्रकार से जब माध्यम बनेंगे वो क्रेडिट हमें गुरु दे देते हैं। अच्छा अच्छा प्रभु जी ने 50 लोगों को उन्होंने प्रचार किया, इतने लोगों से उन्होंने जोड़ा है, ऐसा किया है वैसा किया करके ये सारे बातें आएंगी। तो इसलिए हमें तो इसी प्रकार की भावना के साथ हमें करनी चाहिए। यही बात यहाँ पर भीष्मदेव का विवचनों से हम समझ सकते हैं। यही निमित्त बनना है, निमित्त मात्र। इसी प्रकार से यहाँ पर युद्ध के पूर्व ही सभी लोगों को भगवान कृष्ण देखने पे ही, उनका नजर पड़ने पे ही उन सभी लोगों की आयु जो है क्षीण हो गया। आगे व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षया स्वजन वदादि विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिं महरद आत्मविद्यया चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। एंड आप देख सकते हैं कि यू कैन थिंक ऑफ द काइंड ऑफ मेमोरीज दैट भीष्मदेव इज कैरिंग एट हिज लास्ट मोमेंट्स। अपने आखिर समय में किस प्रकार की इम्प्रेशंस को भीष्मदेव अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ना। इम्प्रेशंस मतलब जो हमें हमारी इमोशंस को और हमारे भावनाओं को सबसे ज्यादा जो प्रभावित की हैं, वो उसकी चाप रह जाती है अपने मन में, चाप रह जाती है। देखिए अगर हम अपने जीवन में किसी के साथ झगड़ा किया और उसकी चाप पड़ गया एंड वही झगड़ा याद आई तो फिर क्या है, फिर वही जाएंगे। फिर अगर उसी प्रकार की इंप्रेशंस को हम अपना हृदय में कैरी करते रहेंगे, किन के साथ झगड़ा हुआ या किन के साथ प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ वो हुआ, इसी प्रकार की बातों को हम चाप के रूप में अपने हृदय में धारण करके उसी को कार्य करते रहेंगे, दिन फिर वही चीजें याद आएंगे आखिर में भी। तो इसलिए हम मरने के पूर्व ही इन सारे चापों, इन सारे इंप्रेशंस को धो डाल देनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर जिस प्रकार की इंप्रेशंस भीष्मदेव कैरी कर रहे हैं भगवान के संबंध में, उसी प्रकार के इंप्रेशंस हम भी कैरी कर सके, उस प्रकार की इंप्रेशन हम अपने मन में इकट्ठा करते जाना चाहिए, उस प्रकार की इंप्रेशन और एक्सपीरियंसेस हम मन में कैरी करते जाने चाहिए। बाकी इंप्रेशन को हमें निकाल देनी चाहिए, बाकी इमेजेस को, कई मतलब कई चीज, कई बार जो कुछ भी हम देखते हैं वो इमेजेस के रूप में हमारे हृदय में स्टोर हो जाता है। इसलिए अब अगर गलत गलत प्रकार की इमेजेस या गलत गलत प्रकार के दृश्य इत्यादि चीजें जब हम देखेंगे, उसके चाप जब पड़ जाता है तो फिर उसे धोने में भी दिक्कत होती है। इसलिए पहले से ही हमें हम वैसा चीजों को इनपुट्स, वैसे इमेजेस को हम ले,
जिससे हमें जिस प्रकार के स्मरण भीष्मदेव का अभी के समय पे हो रही है उसी प्रकार के स्मरण हमें भी अंतिम समय में हो सके, है ना। उस प्रकार की हमें जीवन जीना चाहिए ताकि हम उसी प्रकार के इम्प्रेशंस को कलर करें एंड उसी प्रकार के दृश्य को इमेजेस को हम कलर कर सके। नहीं तो अगर गलत गलत प्रकार की चीजें उठा लिया एंड फिर उसी को हृदय में भर दिया एंड फिर वही चीजें हमें स्मरण आता रहेगा, है ना। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इनपुट्स वी आर कलेक्टिंग, क्या इनपुट्स हम स्वीकार कर रहे हैं सारे इंद्रियों के माध्यम से। हमारा पांचों इंद्रिया इनपुट डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के इनपुट गैदर कर रहे हैं। आंखों के द्वारा इमेजेस हम गैदर कर रहे हैं और कान के द्वारा कुछ शब्द हम स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के इनपुट हम स्वीकार कर रहे हैं। तो कौन से इनपुट हम स्वीकार कर रहे हैं, कौन सा चाप हमारे हृदय में रह जाने वाली है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर भीष्मदेव की तरह हमारा चेतना होनी है देन उस प्रकार के इनपुट्स अभी से हमें लेकर हमें एकत्रित करनी चाहिए एंड बाकी चीजों को हमें धो डाल देनी चाहिए। एंड फिर धोएंगे कैसे, अगर पहले की भूरे चाप पड़ गया देन फिर उसे कैसे धोएंगे। उसके लिए भी भगवान भागवत में कहते ही है, व्यास देव कहते हैं, श्रृण्वतान सुखदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्रानी। ये सारे अभद्र है, ये जो रॉन्ग इम्प्रेशन है रॉन्ग इमेजेस है ये सारा अभद्र है। उन सारे अभद्रों को विदनोति, ये सारा धुल जाएगी जब हम श्रृण्वतान सुखदा कृष्ण, जो भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने से। क्योंकि जब हम कृष्ण कथा जब सुनेंगे ना, सुनने के साथ साथ हमें देखना भी सीखना चाहिए। वैसा लगना चाहिए कि सच में वो दृश्य हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ रही हो। जब इस प्रकार से आप देखेंगे कानों के माध्यम से देन फिर क्या होता है कि वही इम्प्रेशन अभी आपके दिमाग में बैठने लगता है। जैसा कि आप जब मूवी देखते हो ना, मूवी सारे याद हो जाता है क्योंकि विजुअलाइजेशन होता है उसमें, सारे इमेजेस हीरो हीरोइन ये डिशन फाइटिंग ये वो सारा कुछ हमें याद हो जाता है, देख रहे हैं कुछ। उसी प्रकार से जब लीला हम देखेंगे आंखों के सामने, जब हम सारे बातें हमारे इमेजेस के रूप में हमें अच्छा पड़ जाएगी। उसके लिए आपको ये जो पेंटिंग्स वगैरह है ना वो काफी मदद करेगी। पेंटिंग्स वगैरह आप जब कथा होती है वो उस पेंटिंग्स का स्मरण कर सकते हैं, किस प्रकार की किस प्रकार से भगवान कृष्ण वहां पर खड़े थे, भीष्मदेव लेटे थे एंड भीष्मदेव किस प्रकार से भगवान को देख रहे हैं एंड भीष्मदेव को अंतिम समय जिस प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। आपको इसका भी एक पेंटिंग है जिस प्रकार से भीष्मदेव भगवान कृष्ण की उत्तरिया बहते हुए, उनके बाल बहते हुए, उनके शरीर पूरा घायल है, खून अलग जगह जगह पर निकल रहा था और उनके शरीर पर पूरा पसीने की बूंदे हैं, उस प्रकार की पेंटिंग। तो वो देख कर फिर आपको स्मरण आनी चाहिए, अच्छा इसी के बाद किया जा रहा है। बिकॉज फिर हमारा माइंड जो है इट ऑलवेज स्टोर्स थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड वो इमेजेस के रूप में बहुत बहुत आसानी से माइंड कैप्चर कर सकती है। तो इसलिए भीष्मदेव की उसी प्रकार की इमेजेस उन्होंने कैप्चर कर लिया युद्ध भूमि में, फोटो खींच लिया खूब। अभी तो लोग मोबाइल में खींचते हैं टपा टप खींच लेते हैं, बट वो तो दो मिनट बाद में फिर जब मेमोरी भर जाता है देन फिर सारा ऑल सेलेक्ट ऑल करके डिलीट मार देते, तो सारा डिलीट है। तो क्या काम आई, जब धाम ले जाते जब भगवान दर्शन कराने ले गए तो मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं, मोबाइल में खींचते रहते हैं। मोबाइल से बेहतर है आप अपनी आंखों के कैमरे से खींचते रहो ना। एंड यहाँ पर तो भीष्मदेव ने वही कैमरा नेचुरल कैमरा उपयोग कर लिया, तो फिर कई फोटो उन्होंने खींच लिया एंड वो फोटो वीडियो ऑडियो सारा कुछ याद है उन्हें। क्या क्या बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कृष्ण की क्या जवाब रही, कृष्ण ने कैसे रेसिप्रोकेट किया एंड कृष्ण किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे, हर चीज याद है ना। बिकॉज उन्होंने अपने हृदय रूपी कैमरे के साथ उन्होंने सारा फोटो खींच डाला।
तो वैसा हमें किस नया सीखना चाहिए। जब आप वैसे सीख जाएंगे तो फिर आपकी बिल्कुल मेमोरी बढ़ जाएगी नहीं सारे इमेजेस के साथ। तो इस प्रकार की एक्सपीरियंसेस को हमें गैदर करनी चाहिए। इस प्रकार की इंप्रेशंस एक्सपीरियंसेस जब गैदर होंगी देन फिर अंतिम समय में भी आपको उसी प्रकार का ही स्मरण उसी प्रकार की चीजें स्मरण आएंगी। नहीं तो फिर जो कचड़ा क्योंकि ये सारे इमेजेस आपके मोबाइल में हैं दिमाग तो खाली पड़ा है और दिमाग में तो सारे गलत गलत प्रकार की इमेजेस है देन फिर वही इमेजेस और वही प्रकार के इम्प्रेशंस बातें यही सारे चीजें याद आएंगी। तो यहाँ से हम ये बात हम सीख सकते हैं ना। एंड यहाँ पर विष्णु याद कर रहे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को देखकर अर्जुन के भ्रम को उन्होंने दूर करा। तो यही सारा दृश्य जो है विष्णुदेव को स्मरण आ रहा था। एंड फिर विष्णुदेव चाह रहे थे कि चरण रति परमश्च तस्मै अस्तु, मैं चाहता हूं कि मेरा आकर्षण हमेशा भगवान की इस प्रकार के श्री चरणों के प्रति ही रहे। यही तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना जप के दौरान भी, मत चित्तम आकर्षया हे कृष्ण। दूसरा भगवान कृष्ण की टाइप जो आता है उसमें हम ये प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण में, कृष्ण को उद्देश्य करते हम ये कहते हैं हे कृष्ण मत चित्तम आकर्षया, हे भगवान कृष्ण मैं चाहता हूं कि मेरा मन आपकी ही ओर आकर्षित हो। यही भावना यहाँ पर विष्णु व्यक्त कर रहे हैं, हे कृष्ण मेरी चित्त जो है मेरी मन आपके आपकी ओर ही आकर्षित हो। चरण रति ही, रति मतलब आकर्षण, चरण मतलब चरण है, चरण के प्रति हम मेरी रति हो आकर्षण हो। कितने प्रकार की चीजों में हमारी अभी आकर्षण अटका पड़ा है, उन सारे चीजों से हमें अपना आकर्षण को, ये आकर्षण है ये एक एंकर जैसा है, एंकर जैसा है, जहां पर हमारी आकर्षण रूपी एंकर लग गई वहीं पर ही हमारा नाव रह जाएगी। इसलिए फिर हमें उस आकर्षण को उस एंकर को हमें निकालना पड़ेगा तब जाकर हमारा भक्ति रूपी नाव जो है आगे बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारे आकर्षण अनेक प्रकार की चीजों में अटका पड़ा है, हम चाहते कि इन सारे चीजों से हमारा मन निकल जाए और केवल आपके चरणों के प्रति हमारा पूर्ण रूप से आकर्षण बन जाए। चरण रति ही, तीन शब्दों के द्वारा भीष्मदेव का भी यही उद्देश्य था। फिर आगे बढ़ेंगे, स्वनिगमम अपहाया मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवल अवप्लुतो रतस्तः धृतरत चरणो अव्ययाचलाद्गुर हरिर इवहन्तुम इभं गतोत्तरीह गतोत्तरीह। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। इसका दृश्य दिखाई पड़ रहा है आपको, एक पेंटिंग है इसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार भगवान कृष्ण रथ की पहिया लेकर भीष्मदेव की ओर दौड़ पड़ रहे थे, उनकी उत्तरिया जो है हवा में उड़कर फिर पीछे गिर रहा है। एंड उसी समय भीष्मदेव अपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मारना है तो मारो, कोई बात नहीं, आपके हाथों में मरने से और क्या चाहिए हमें। तो भीष्मदेव अपने सारा हथियार बांध धनुष बांध सबको छोड़ छाड़ कर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाते, भगवान मारो और क्या चाहिए, हम अपना जीवन की भाग्य हम मान लेंगे अगर आपके हाथों में मर गया तो। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसी दृश्य को यहाँ पर भीष्मदेव
स्मरण करते हुए रिलीज कर रहे थे। देखिए भीष्मदेव ने भी मतलब समझ रहे थे कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से केवल और केवल भीष्मदेव की बातों को रखने के लिए अपनी बात खुद उन्होंने थोड़ा है भीष्मदेव की, क्योंकि भीष्मदेव उसके पहले दिन ये सारा जो घटना जो घटी है उसके पहले दिन जो है दुर्योधन आकर भीष्मदेव को बहुत सुनाते हैं, फिर कहते हैं अरे आप तो आपकी जो सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति ये पता चल रहा है, क्योंकि आप अगर चाहते तो आप एक ही दिन में सारे पांडवों को सारे पांडवों की सेना को तो मार सकते हो, इतना क्षमता है आपके अंदर, बट फिर भी आप अपना क्षमता का पूरा प्रयोग करके इन सभी लोगों को मार नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक प्रकार के सॉफ्ट कॉर्नर है इन सारे पांडवों के प्रति, इसलिए आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके अभी भी आप उनसे प्रेम करते हो, अभी भी आपकी वात्सल्य है उनके प्रति, इसलिए आप उस वात्सल्य के कारण आप उनको आप मार नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से काफी कुछ भीष्मदेव को दुर्योधन सुनाते हैं। तो ये सारे बातें कहने के उपरांत भीष्मदेव फिर उत्तरजित होकर कहते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं है, अगर आप इस प्रकार चाहते हो मैं कल का ही दिन मैं पांचों पांडवों को मैं मारता करके पांच बाण निकाल कर साइड पे रखते हैं कि इन्हीं पांच बाणों से मैं पांचों पांडवों को मैं मार देता हूँ कल का दिन देखना करके, फिर पांच बाण निकाल कर साइड पे रख देते हैं। एंड तो फिर उसके बाद दुर्योधन बहुत प्रसन्न होकर फिर चले जाते हैं। ठीक है अभी तो इसका मतलब फिर भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया, तो क्योंकि भीष्मदेव मतलब प्रतिज्ञा मतलब उनकी बात तो होना ही होना है, इसलिए तो उनका नाम ही पड़ा भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला है करके। देन फिर क्या हुआ, फिर दुर्योधन चले गए, बहुत प्रसन्न हो गया, अरे तो काम हमारा काम बन गया, फिर वो चले गए थे पार्टी मनाने। देन फिर इतने में भगवान कृष्ण को पता चली कि भीष्मदेव ने ऐसे प्रतिज्ञा लिया है करके, और भगवान कृष्ण कहा कि द्रौपदी से ठीक है तुम चलो मेरे साथ। तो फिर द्रौपदी और कृष्ण फिर साथ चले भीष्मदेव की कैंप की ओर, साथ चलते हुए फिर भगवान कृष्ण तो पता है कि क्या क्या हुआ है। तो फिर फाइनली जब द्रौपदी को पहले भगवान कृष्ण भेजते आप अंदर जाओ भगवान कृष्ण के सारे टेक्निक ये, उन्हें पता है कि क्या क्या काम होगा। तो फिर द्रौपदी को अंदर भेज देते, फिर द्रौपदी से कहा कि तुम जाकर भीष्मदेव के चरणों में गिर जाओ, भीष्मदेव कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे देंगे। तो फिर जाकर फिर भीष्मदेव के चरणों में गिर गई द्रौपदी, फिर गिर गई तो भीष्मदेव ने सौभाग्यवती भाव आकर के आशीर्वाद दे दिया। तो फिर सौभाग्यवती आशीर्वाद दे दिया। तो फिर उतने में भीष्मदेव फिर उठे, फिर द्रौपदी ने पूछा कि पितामह मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भाव करके आपने आशीर्वाद तो दे दिया, बट हम आप ही तो खंडित करते रहे, कल का दिन आप पांचों पांडवों को मार देंगे, तो फिर हमारी क्या सौभाग्य रहेगी, तो इसलिए तो क्या करूं। इस प्रकार से भीष्मदेव को पता चलता है कि अभी मैं फंस गया। तो भीष्मदेव पूछते हैं कि ये आपकी ये सारा जो भी षड्यंत्र कहो जो भी है ये आपकी रचना नहीं होगी, कोई ना कोई आपके पीछे, बताओ कौन आया आपके साथ। तो द्रौपदी कहते हैं कि फिर पीछे से बुलाती है आओ कृष्ण, फिर सामने आते भगवान कृष्ण, तो यही है मेरे साथ सारा कार्य करना। तो फिर भीष्मदेव समझ आता है अच्छा इन्हीं का ट्रिक है, इन्हीं का ट्रिक है, इन्हीं का चाल चल रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव ने तो दुर्योधन को कहते वक्त उन्होंने यही कहा कि इधर मैं पांचों पांडवों के पांचों बाणों से मैं मार दूंगा, दोनों में से कोई ना कोई कार्य तो होना ही है, इधर ही पांचों पांडवों मेरे हाथों से मर जाएंगे या नहीं तो कृष्ण को अपने शपथ को तोड़ना होगा, अपने शपथ को तोड़ना पड़ेगा,
इन दोनों में से कोई ना कोई कार्य होना ही है करके वहां पर भीष्मदेव जो है कहते हैं। तो फिर भीष्मदेव समझ गए। फिर अगले दिन जो है फिर भीषण रूप से भीष्मदेव जो है अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ रहे थे। अर्जुन को बाण छोड़ने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। उनको अपना धनुष को तैयार करके बाण छोड़ने तक का भी समय नहीं देते थे भीष्मदेव। एक मतलब तूफान की तरह उनके ऊपर बारिश करा रहे थे बाणों की। एंड उस तूफान में भी अर्जुन तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। फिर उस दिन तो लग ही रहा था कि सभी लोगों को भीष्मदेव आज का दिन सभी ही लोगों को खत्म कर देंगे। अभी पहला अर्जुन की बारी है। अर्जुन खत्म होने के उपरांत सभी लोगों को उड़ा देंगे भीष्मदेव। इस प्रकार के भीषण युद्ध कर रहे थे भीष्मदेव उस दिन। एंड जब भगवान कृष्ण को लगा कि ये तो बिल्कुल अगर मैं अभी कुछ करूंगा नहीं तो देनी मार देंगे करके जब भगवान कृष्ण को लगा फिर तुरंत भगवान कृष्ण फिर नीचे उतरे। देन फिर वहां पर कोई रथ की पहिया टूटा पड़ा हो तो रथ की पहिया को हाथ में लेकर भीष्मदेव के ऊपर मारने गए थे। एंड तब जाकर भीष्मदेव अपने हथियार वत्यार छोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर के फिर उन्होंने मतलब ऐसा प्रार्थना किया कि भगवान अगर आपके हाथों में मरना है तो और इससे कौन सी बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त होनी है करके। क्योंकि ये तो हो ही गया ना। अभी भगवान कृष्ण अपना शब्द को थोड़ दिया तो इसका मतलब भीष्मदेव का वचन रह गया। तो इस प्रकार से इसलिए इसी वर्णन को यहाँ पर भीष्मदेव याद कर रहे कि भगवान मेरी वचन को रखने के लिए आप अपने वचन को आपने तोड़ दिया। इतना प्रेम करते हो आप अपने भक्तों से करके भीष्मदेव यहाँ पर स्मरण कर रहे भीष्मदेव भगवान के। एंड तभी तो भगवान भी इस प्रकार की बात आगे आएगी ही करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कौंते या प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। हे कौंते आप इस दुनिया को डिक्लेयर करो कि नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश कभी संभव नहीं है, मेरे भक्तों की नाश कभी नहीं होता है, इस प्रकार से आप डिक्लेयर करो करके। भगवान भी तो कह सकते हैं ना नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा करके। बट भगवान जानते हैं कि अगर मैं कहूंगा तो फिर इतना वैल्यू नहीं रहेगा इस दुनिया में क्योंकि मैं अपने बातों को कभी कभी तोड़ देता हूं। अगर वही वचन अगर मेरा भक्त कहेगा देन उस वचन को रखने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो इसलिए मैं अपने भक्तों के माध्यम से मैं डिक्लेयर कराऊंगा देन फिर सारे दुनिया को ज्यादा विश्वास होगी, मेरे बातों से भी ज्यादा विश्वास मेरे भक्तों की बातों पर होगी। तो इसलिए मैं अपने भक्तों के माध्यम से मैं डिक्लेयर कराता हूँ कि इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन कौंते या प्रतिजानी कौंते आप डिक्लेयर करो कि न मैं भक्त प्रणश्य मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा करके। ये बहुत सुंदर वचन है न मैं भक्त प्रणश्यति। एंड इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। प्रतिज्ञा तव गोविंद, हे गोविंद आपने ये सब प्रतिज्ञा किया है। क्या प्रतिज्ञा आपने किया है? न मे भक्त्या प्रणश्यति, आपके भक्तों का कभी नाश नहीं होगा करके आपने प्रतिज्ञा किया है। इसी वचनों की स्मरण करते हुए मैं अपना प्राण को अभी भी मैं बनाकर रख पाया हूं, नहीं तो मैं कब का मर जाता। बिकॉज आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपके भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, इसलिए आपके भक्त होने के नाते हमारी आशा है कि हमारा नाश नहीं होगा, हमारे भक्ति का नाश नहीं होगी। तो इसलिए इन्हीं बातों में हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे संरक्षण है, हमारे विश्वास इन्हीं बातों पे, इसी विश्वास के साथ आज भी हम अपना जीवन जी पा रहे हैं करके वो भक्त अपने हृदय की बातों को व्यक्त कर रहे थे भगवान से। तो इस प्रकार से भगवान के स्मरण सुंदर प्रकार से भीष्मदेव यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, बाकी 38 श्लोक से अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि सततम कीर्तियो माम प्रभु जी, तो भगवान का सतत रूप से कीर्तन कैसे कर सकते हैं, दिन भर भगवान का स्मरण कैसे होगा? देखिए मतलब दिन भर सततम कीर्तयन्तम जो भगवान कहते हैं वो कैसे संभव हो पाएगी। देखिए अभी के समय पे हमारे लिए ये तो संभव नहीं है कि हम सुबह से लेकर रात तक या 2400 घंटे हम भगवान के नाम जप कर सके या भगवान की अभी के समय पे हम उस प्रकार से भगवान की स्मरण करने की हमारे लिए मतलब उस प्रकार की सात्विकता तो है नहीं। तो इसलिए हम भक्ति का ये सारे विधियां है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, इन सारे चीजों को मुख्य लक्ष्य तो स्मर्तव्यम सततम विष्णु ही है। ऑल्दो नौ विधियां है, सारा नौ विधियों का लक्ष्य तो यही है स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु के स्मरण करना। इसलिए हम बस ये इंश्योर करनी चाहिए कि हम इन इनमें से कोई ना कोई अंग में हमें अपने आप को लगा कर रखनी चाहिए पूरे दिन भर। इसलिए उसके लिए बेस्ट तरीका है भगवान की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान की प्रचार इत्यादि चीजें, ये असीम है, आनंद है। इतने इतने भद्र जीव पड़े हैं जो बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें एक एक व्यक्ति को कन्विंस करने में ही हालत खराब हो जाती है। तो फिर इतने बद्ध जीवों को जब कन्विंस करने की अगर सेवा दे दी जाए आपको, देन फिर जीवन भर की आपको जॉब मिल गया, क्या करना है। तो उस प्रकार से आप अपना पूरा दिन में दिन को आप इस प्रकार से व्यस्त रख सकते हो। इसलिए हम अपना दिन को केयरफुली प्लान करनी चाहिए ताकि कोई भी क्षण हमारे लिए हमारी वेस्ट ना हो जाए, किसी भी प्रकार से ना वेस्ट ना हो जाए। उस प्रकार से हमें प्लान करनी चाहिए ताकि हम हमेशा इधर भगवान के नाम जप कर रहे हैं, भगवान की विषय में पढ़ रहे हैं, भगवान की विषय में सुन रहे हैं या भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, इतने प्रकार के प्रचार के संबंध में अनेक प्रकार की सेवाएं, इन सारे सेवाओं में भाग लेने में भी आपकी आपका कीर्तन हो जाएगी। क्योंकि प्रचार करना भी कीर्तन है, प्रचार करना भी एक प्रकार के कीर्तन है। तो उस प्रकार के कीर्तन में तो आप भाग ले ही सकते हैं, एंड सभी लोगों को इस प्रकार से मन लगता है, कोई ना कोई कार्य तो कर ही रहा है। तो आपकी जो इंक्लिनेशन है आप यूटिलाइज करके आप भगवान के प्रचार कार्यों में आप मदद कर सकते हो, है ना। उस प्रकार से आप हमेशा सततम कीर्तन तमाम कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रचार करनी चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके यस जीतलाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, ये जो पांडव की सेना थी वो तो धर्म के तरफ से लड़ रही थी प्रभु जी, तो भगवान ने इनकी उम्र क्यों कम कर दिया? नहीं, कौरवों की सेना के कम कर दिए थे। अच्छा, केवल कौरवों की, लेकिन मारी तो गई थी, पांडव की सेना भी मारी गई प्रभु जी। हाँ, पांडवों की सेना भी मारा गया था जी प्रभु जी, क्योंकि फिर उस युद्ध भूमि के अंतर्गत फिर लगभग सभी ही लोग मर गए थे, केवल कुछ ही लोग ही बचे थे जी, बहुत ही गिने चुने लोग ही बचे थे। देखिए फिर वहां पर चाहे कौरव हो, पांडव हो, कोई भी क्यों ना हो, अल्टीमेटली सभी ही लोगों को सदगति ही प्राप्त हुआ था, वैकुंठ का ही प्राप्ति हुआ था। इसलिए वो उन सभी लोगों को पनिशमेंट नहीं मिला, चाहे कौरवों के पक्ष से भी जो लड़ रहे थे, पांडवों के पक्ष से भी जो लड़ रहे थे, दोनों में से किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिला था। क्योंकि दोनों के विषय में कहा जाता है कि नयनाभिरामम, भगवान की जो सुंदर रूप जो नयनों के लिए अभिराम मतलब रमन करने वाली है, और वैसा सुंदर नयनाभिराम रूप के दर्शन करते हुए सभी सैनिकों ने शरीर छोड़ा है
उसके कारण सभी ही लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति हुआ, चाहे कौरवों के पक्ष हो चाहे पांडवों के पक्ष हो। इसलिए किसी को पनिशमेंट के रूप में नहीं मिला, बल्कि ये तो सभी लोगों की भाग्य है कि वो लोग मर रहे थे, अन्यथा कहीं और मरते उनको शायद उनकी इस प्रकार की सदगति नहीं मिल पाती। यहाँ पर तो ऐसा संतोष सौभाग्य है कि उन्हें भगवान की स्वरूप देखते हुए उन्हें शरीर छोड़ने का मौका मिला। बाकी सभी लोगों को तो ज्यादा ज्यादा क्या है, कोई तस्वीर लाया फोटो लाए जाते दिखाए जाते देखिए मान लीजिए कृष्ण बलराम है वृंदावन की देखते हुए मर जाओ, बट यहाँ पर तो जिस भगवान की तस्वीर देखकर मरने के लिए कहा जा रहा है वहां पर भगवान स्वयं खड़े थे एंड वैसा भगवान को देखकर मर रहे थे लोग, तो इससे कौन सा बहुत बड़ा सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगी। एंड यही सौभाग्य तो भीष्मदेव भी स्वागत कर रहे थे, अब मारना है तो मार दा भी मार दो मुझे, है ना, तो इसलिए कोई दंड नहीं था। उस प्रकार सोचने की जरूरत ही नहीं। यस सर। और कोई प्रश्न? ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास, आज के सत्र के लिए आपने इतना कीमती समय निकाला अपना, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज हमने देखा कि कैसे भगवान जो है अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और किस तरह गुरुजन और भगवान हमें कृपा तो देते हैं, एट द सेम टाइम कृपा का रेसिपिएंट भी बनाते हैं, पात्रता भी देते हैं। और ये जूम मीटिंग्स, ये श्रवण, इसके माध्यम से हम जूम श्रवण के माध्यम से हम ये मीटिंग्स के माध्यम से ये हमारे लिए बहुत सुअवसर है कि हमें इतने सुलभता से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपने अंदर भगवान के लिए पुनः भगवान का प्रेम री एस्टेब्लिश करने का, पुनः स्थापित करने का मौका मिल रहा है। तो हमें इनका फायदा उठाना चाहिए और इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, येट एट द सेम टाइम ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी भी है, गोल्डन भी है रेयर भी है। तो अगेन थैंक यू सो मच वेदांत चेतन प्रभु जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल एसोसिएशन, आपका संग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए इस सेशन को क्लोज करेंगे और हम प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र एक बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हम अगली बार फिर से मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। Hare Krishna.